We are going to discuss a novella by R.K. Narayan, that is Grandmother's Tale. So friends, ये जो tale है Grandmother's Tale, मतलब R.K. Narayan को उसकी grandmother ने ये tale बताई थी, वो उसकी grandmother की mother की tale है, मतलब जो उनकी grandmother हैं, उनकी जो mother हैं, मम्मी हैं, उनकी जो टेल है वो इनको सुनाई थी और जो ये हमको इस नोवेला में बता रहे हैं। सो हम बात करें तो ये इस नोवेला की, तो इसमें स्टार्टिंग का बिल्कुल पहले इंडिया में कैसा होता था, बिल्कुल ट्रेडिशनल कल्चरल व्यू है इसके अंदर। इसमें आर के नारायण ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी जो स्टोरी है ये लिखी है, जिसमें इसकी ग्रैंड मदर की मदर की स्टोरी है और इसकी ग्रैंड मदर सुना रही है। और उस टाइम की बात है जब छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर्स में कि बिल्कुल भी एडल्ट नहीं हैं और चाइल्ड मैरिज होती थी, अनाज में करेंसी होती थी, उस टाइम की बात है ये, बिल्कुल ओल्ड इंडिया जहाँ पे हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो बहुत ही सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं। अब यहाँ पे इस छोटी सी नोवेला में हम ये देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग में तो इसको पब्लिश होने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में देखा गया कि इसकी जो स्टोरी है वो एज़ यूज़ुअल कि आर के नारायण जी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी स्टोरीज़ के साथ में, अपने नॉवेल्स के साथ में कुछ डिफरेंट देने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसमें स्टोरी में देखेंगे बाला नाम का एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो ग्रैंड मदर की मदर हैं बाला नाम की, और इनकी बहुत यंग एज में, अर्ली एज में शादी हो जाती है। जब वो 7 साल की होती हैं एक 10 साल के लड़के से शादी हो जाती है जिसका नाम है विश्वा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये दोनों की शादी तो हो जाती है लेकिन ये एज हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे होते हैं क्योंकि ये मैच्योर नहीं हैं। तो बाला अभी मैच्योर नहीं है और जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि विश्वा उससे मिलने की कोशिश करता है, तो कई बार ट्राई करता है उसे बात करने की, लेकिन जो बाला है वो सिर्फ दीवार पे से उससे थोड़ी सी बातें करती है। और बाद में एक दिन क्या होता है कि विश्वा जो है वो ये कह के चला जाता है, जाते जाते मतलब उससे बातें करने के लिए आता है, कन्वर्जेशन करने के लिए, और जाते जाते ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और जब वो पूछती है बाला तो वो बताता है कि मैं पिलग्रिम्स के साथ में जा रहा हूँ, एक ग्रुप जा रहा है पिलग्रिम्स का, उनको ज्वाइन करने जा रहा हूँ जो पंडारीपुर जा रहा है। अब आगे कुछ बात हो नहीं पाती है बाला और विश्वा की, और उसके बाद में क्या होता है कि बाला अपने घर में मतलब बहुत सारे इयर्स निकल जाते हैं और बाला जो है एक यंग वुमन बन जाती है। अब उसकी जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एक लेडी के लिए अगर उसका हस्बैंड नहीं है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। लोगों के गॉसिप्स स्टार्ट हो जाते हैं कि मतलब ये बिल्कुल मैरिड की तरह रहती है लेकिन पता भी नहीं है कि विश्वास जिंदा भी है या नहीं, वो कभी आया नहीं वापस, और इस तरीके की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसको बहुत बुरा लगता है बाला को, और फाइनली वो डिसाइड करती है कि मैं घर छोड़ के पैक करती है अपना सामान कि मैं घर छोड़ के जाऊंगी, और मैं वहाँ पे जैसे कि उसको बताया था, प्लेस भी बताया था, तो वो ढूंढने के लिए निकल जाती है विश्वा को। अब हम देखते हैं कि विश्वा को किस तरीके से वो जाती है अपनी जर्नी पे और उसको ढूंढ के वापस से साउथ में ले आती है, और लाती भी है, और साथ में एक हैप्पी लाइफ भी वो स्पेंड करते हैं कुंभकोणम में। और वहाँ पे उनके 5 बच्चे होते हैं, और उनके जो 5 बच्चे होते हैं उसके बाद में मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम पे उनके बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही होती है, और बाला और उसके बाद में विश्वा की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उनके कुक ने उनको पॉइजन किया था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसमें बात ये नहीं है कि मतलब किस तरीके से डेथ हुई या किस तरीके से, बात इसमें इस चीज़ पे फोकस डाला गया है कि बाला नाम की एक इनोसेंट स्कूल गर्ल जो है कैसे उसकी अर्ली एज में शादी हो जाती है और उसके बाद में वो एकदम यंग वुमेन में कन्वर्ट हो जाती है, जो बहुत डिटर्मिंड है, फिर्म है कि वो अपने
हस्बैंड को ढूंढना चाहती है और इस तरीके से वो मतलब ऑर्थोडॉक्स हिंदू वाइफ बन जाती है। ये सबको पता है कि वो विश्वा को ढूंढने के बाद में उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी बाउंडेड हो जाती है। एज़ यूजुअल वो एक हाउस वाइफ बन जाती है और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन एक जो एंशिएंट टाइम में आप ये कह सकते हो ज़्यादातर इंडियन कल्चर्स में या ट्रेडिशंस में इस तरीके से होता था कि मतलब वुमन के लिए बिना हस्बैंड के सर्वाइव करना भी मुश्किल था और इसलिए वो ये सब कुछ करती है और लास्ट में अपने हस्बैंड को ढूंढ लाती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस शॉर्ट नोवेला। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।